like a Hellcat. हेलो फ्रेंड, बीएच टेक्निकल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बालेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास ये दोस्तों लेनोवो का लैपटॉप है, इसमें आप विंडोज 7, 8, 10 कैसे इंस्टॉल करें और इसकी बूट मेन्यू की क्या है। तो दोस्तों, ये है मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप, जिसका मॉडल नंबर है आपका लेनोवो G508। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इसमें आपको अगर विंडोज 7, 8 या 10 जो भी इंस्टॉल करना है तो इसकी बूट मेन्यू की क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये जो दोस्तों मेरे पास बूटेबल पेन ड्राइव है विंडोज 10 की, इसको मैं लगाता हूँ और पावर बटन ऑन करके F12 प्रेस करना है। दोस्तों, इसमें F12 जैसे आप प्रेस करेंगे तो बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, मेरी सैंडिस्क की पेन ड्राइव दिखा रहा है और इसको सेलेक्ट करके मैं इंटर कर दूंगा और स्पेस का बटन आपको प्रेस करना है। ये दोस्तों, स्पेस का बटन आप प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि विंडोज 10 में जो भी आपको 32 बिट में चाहिए या 64 में चाहिए, जो भी आपको इसमें इंस्टॉलेशन करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं 64 में कर रहा हूँ, तो मैं 64 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और एंटर कर दिया है और ये विंडोज 10 इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लेनोवो G580 की बूट मेन्यू की क्या है और इसमें आप विंडोज 7, 8, 10 अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उसमें कैसे करें। तो अगर दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।